नालागढ़ के बखेरी में टोल टैक्स वैरियर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बगैरी के स्थानीय ट्रक संचालकों ने वीरवार को बखेरी में जमकर टोल टैक्स प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने टोल टैक्स जितेंद्रा एवंड कंपनी के पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बघेरी के ट्रक संचालकों ने आरोप लगाया कि गांव के रास्तों पर भी ठेका कंपनी वैरिगेटिंग लगा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसका उनके पास कोई अधिकार नहीं है। वहीं अब समर्थन में विधायक केएल ठाकुर व भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता लखविंदर राणा भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि ठेका कंपनी की गुंडागर्दी को चलने नहीं दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले कई सालों से बघेरी व आसपास की पंचायत के ट्रक संचालकों से किसी तरह का एंट्री शुल्क नहीं लिया जा रहा था, लेकिन जब से जतिंद्रा एंड कंपनी ने टोल बैरियर का जिम्मा संभाला है, वह मनमर्जी करते हुए गुंडागर्दी कर रही है, जिन्हें पुलिस का भी संरक्षण मिल रहा है। इसी विरोध में वीरवार को बघेरी पंचायत व आसपास के सैकड़ों लोगों ने जमकर विरोध किया। उन्होंने ठेका कंपनी के खिलाफ जमकर विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर कंपनी की गुंडागर्दी नहीं रुकी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखिए सर, पहले तो मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों के मुद्दे आते रहते हैं। बाकी जो ये बघेरी में आज इकट्ठा हुआ है, ये जो टोल यहाँ पर लगा है, जब से टोल लगा तब से हमारी जो लोकल गाड़ियाँ थी इनका कभी पर्ची लगी आज तक, लेकिन जब से ये नई पार्टी आई है टोल वाली, उसके बाद इन्होंने लोकल गाड़ियों को भी पर्ची लगानी शुरू कर दी। ये जो पीछे से रोड चल रहा है, ये गांव का बहुत पुराना रोड है। गांव जैसे बघेरी पुलाड़ी तक जो भी गांव पड़ते हैं, इन गांवों को सड़क जाती है, तो बहुत पुराना रोड है। लेकिन ये टोल वाले इस रोड को ही बंद करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ इनका इकट्ठ हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट लोग हैं उनका इकट्ठ हुआ है। इस रोड को हम बंद नहीं करने देंगे। बाकी जैसे पहले व्यवस्था थी टोल की, जहाँ तक पहले गाड़ियों को माफ़ किया था टोल, वहाँ तक वैसे व्यवस्था चलनी चाहिए, फिर हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर धक्केशाही करेंगे फिर तो पब्लिक सब जानती है। नमस्कार जी, सारे इदा है जी, क्योंकि साड़ी जो लड़ाई चल रही है 31 मार्च के बाद चल रही है। पहले जो भी इन्होंने टोल खरीदे थे, इन्होंने ही खरीदे थे। 5 साल हो गए जिंदगी बाद टोलों को, तो पहले भी साड़ी जिदा जिन्नी भी पहले गड्डी छोड़ती थी वो छोड़ी थी, हूँ इन्होंने जबरदस्ती कर रहे हैं। हूँ असी एक्चुअली है कि क्योंकि देखो पहले 7-8 पिंड जिन्हें भी थे छड़ते थे, तो असं यही गुजारिश करते इन्होंने फिर कि जिदा है रोड चलता चल, क्योंकि जो साढ़े पिछे वाला ये रोड के वर्करा खड़े एंगल लाने वास्ते कोई धक्काशाही करते, जो भी है जो ये साडा रोड है, ये साढ़े 3 पंचायतों रोड चुकता है। जो असी रोड टूल वास्ते नहीं कटे है, यह रोड रोड है ये कलाड़ी पिंड कलाड़ी हरिजन वास्ते रामपुर पिंड वास्ते खोलना है, इस करके नहीं खोलिया कि साड़ी टोल वाली गड्डी तो पूरी जी गुरु इस वास्ते बिल्कुल नहीं है। बाकी गुजारिश है सिद्धू प्रधान जो भी है भी साड़ी पर्ची पुर्ची जो भी है माफ करे, इसे रोड बंद नहीं होने देना। बस सभी वार्ड मेंबर इससे सहमत है कि ये पहले कभी भी हमारे साथ ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी का हमें सामना नहीं करना पड़ता था। अब ये नए टेंडर जो हुए हैं हमारी बघेरी पंचायत में टोल टैक्स के, ये सब गुंडागर्दी के तहत चल रहे हैं। लोकल आदमियों को भी यहाँ से उनको भी पर्ची की कोई माफ़ी की कोई राहत नहीं मिल रही है, तो हमें यही अनुरोध है कि इसको जो प्रधान जी ने बोला है जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए। आज बड़ा दुख की बात है कि हमारा बघेरी में जो हमारा गांव बघेरी है, यहाँ पर हमारे ट्रक यूनियन की एक जो है ब्रांच भी है, तो यहाँ एक टूल बैरियर जो है बहुत पहले से लगा हुआ है और पहले भी टूल बैरियर ये लगा हुआ था, लेकिन पहले लोग जो हमारे लोकल थे 4-5 पंचायतों के लोग, उनके ट्रक जो है फ्री में आते जाते रहते थे, कोई जो पाबंदी नहीं थी, कोई रोकता नहीं था। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि अब जो ये नई जो टूल कमेटी आई है, जिन्होंने टूल नए लोगों ने लिए, उन्होंने हमारे जो ट्रक है उनको 500-500 रुपये की जो पर्ची लगानी शुरू कर दी है, जबकि हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जो है 4-5 पंचायतें हैं, ये लोकल लोग हैं, पहले भी लोकल लोगों से टूल नहीं लिया जाता था। लोगों की मांग है कि जैसे पहले टूल नहीं लिया जाता था, आप भी हमारे से टूल ना लिया जाए, क्योंकि हमारे लोग जो है गरीब हैं और हमारे जो ट्रक यूनिट के ये मेम्बर हैं, ये सभी जो लोकल लोग हैं, ये गुंडागर्दी जो है हमारे जो ये टूल टैक्स के नए लोग प्रबंधन कमेटी है, ये गुंडागर्दी करके जो है हमारे जो ट्रक ऑपरेटर भाई हैं उनको डरा रही है, ट्रक मालकों को डरा रही है। जो हमारे गांव के रास्ते, जैसे पंडियाणे का गांव का रास्ता है, कुलाड़ी का रास्ता है, 10-15 रास्ते जो हमारे गांव के रास्ते हैं, जहाँ से हमारी माताएँ भी जाती हैं, जब कोई हमारी महिला बीमार होती है या कोई बुजुर्ग बीमार होता है या जो साथी को बीमार होता है,
अपना इलाज कराने के लिए नंदपुर हॉस्पिटल में उनको जाना होता है या नालागढ़ जाना होता है तो गांव के रास्तों से जो है गुजरती है, लेकिन इनकी इतनी गुंडागर्दी है कि हमारे जो गांव के रास्ते हैं, चाहे कुलाड़ी का रास्ता जहाँ पर आज हम बैठे हैं, तो पटियाने का रास्ता, वहाँ पर जाके भी बैरिकेड लगा रहे हैं। हम टूल जो टूल बैरियर उसका विरोध नहीं कर रहे, ये टूल जो है बघेरी जो मेन सड़क है वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर लगा रहे, लेकिन जो हमारे गांव के रास्ते जैसे कुलाड़ी का बघेरी का रास्ता है या हमारे इधर पटियाने का रास्ता है उसको ना रोका जाए। लेकिन हम जो है ट्रक यूनियन के साथ हैं, ट्रक यूनियन जो है हमारे सभी हमारे भाई हैं, मैं भी एक ट्रक यूनियन का मेंबर हूँ, सदस्य हूँ, और जो ये टूल प्रबंधन कमेटी हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम जो गांव के रास्ते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी जो है बैरिकेड नहीं लगने देंगे, हम जो है अपने ट्रक ऑपरेटर भाइयों के साथ हैं।